हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैंने अपने आर्ट के वीडियोस बनाने के लिए मोबाइल परचेस किया है, रेडमी नोट 7 प्रो। ये 4GB रैम एंड 64GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है। बाकी आप तो जानते हो, स्नैपड्रैगन का 675 प्रोसेसर लगा है एंड कैमरे में 48 MP और सोनी का सेंसर लगा है। एंड बॉक्स को ओपन करने के लिए पकड़ के रखना है आपको, अपनी वेट से वो खुद ही खुल जाएगा। तो सबसे पहले एक छोटा सा बॉक्स जिसके अंदर है सिम इजेक्टर टूल एंड केस, बैक केस लगाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। सिम इजेक्टर टूल है छोटा सा, एंड एक प्रोटेक्शन के लिए केस है, एंड जिसके अंदर सोमी की तरफ से एक लॉ लेटर है। आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। एंड ये बैक केस, क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। एंड ये है अपना मोबाइल रेडमी नोट 7 प्रो, एंड उसके अंदर क्या क्या मिल जाता है देख लेते हैं। सबसे पहले यूएसबी केबल, यूएसबी टू टाइप सी केबल है, देख सकते हो, ये तो आपको पता ही होगा सब चीज़। एक चार्जर, ये फास्ट चार्जर नहीं है, नॉर्मल चार्जर है। एंड ये है हमारा मोबाइल। एंड ये मोबाइल मेरे को 15,300 में पड़ा दुकानों में, इधर इसी रेट में मिल रहा है। ब्लैक वाला जो मिल रहा है वो 15,000 में मिल रहा है, एंड कलर वाला मिल रहा है 15,300 में। एंड इसे ख़रीदने के लिए कुछ पैसे मैंने अपने आर्ट वर्क से, मतलब ड्राइंग से अर्न किया है, कमीशन वर्क से। एंड कुछ पैसों के लिए मेरे दोस्त ने हेल्प की है मुझे। एंड यूट्यूब से तो अभी अर्निंग हो नहीं रही है क्योंकि मेरे वॉचिंग आवर अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। सो इसे बूट कर लेते हैं। इसे मैंने पहले यूज़ कर लिया एक दो आवर। एंड अब इस चैनल पे जितने वीडियो अपलोड होगी वो इसी मोबाइल से रिकॉर्ड होगी। पहले मैं जेडो प्रो का यूज़ करता था, अब मैं इसका यूज़ करूँगा। एंड इसे मैं इसीलिए परचेस किया है ताकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर सकूँ अच्छी क्वालिटी में, क्योंकि जेडो प्रो में 720p में ही होती थी, HD में ही, फुल HD में नहीं होती थी। सो ये मोबाइल, अब कैमरा टेस्ट कर लेते हैं। फिंगरप्रिंट पहले दिखा देता हूँ आपको कितना फास्ट है। एंड अब कैमरा टेस्ट कर लेते हैं। एंड ये कैमरा आप देख सकते हो, फोकस स्पीड कितनी अच्छी है। सो अब देखता हूँ मैं इस मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करके कैसी आती है। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करते हुए जाना। बाय बाय, टेक केयर।